Hi guys, I'm Sati from Evidyarthi. In this session, we will do Class 11 Chapter Bank Reconciliation Statement ka Question Number 7. This is page number 12.44 pe of the book is Grewal. Start karte. On 30th June 2017, a bank column of the cash book showed balance Rs. 12,000. But the passbook showed a different balance due to the following reasons. Okay. तो हमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है और हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, यानी हमें स्टार्ट करना होगा कैश बुक के बैलेंस से और हमें पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक नोट करेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का हमें पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है बैंक कॉलम का रुपीज 12,000, तो हम इसे प्लस साइड पे नोट कर लेंगे। ये हो गया हमारे पास बैलेंस। अब हम क्या करेंगे, सारे ट्रांजैक्शंस यानी जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं उन्हें रीड करेंगे और अकॉर्डिंगली चेंजेस करेंगे, जिससे पासबुक और कैश बुक का बैलेंस इक्वल हो जाए। मतलब हमें रीजंस पता चल जाए कि ऐसा जो डिफरेंस आ रहा है पासबुक और कैश बुक के बैलेंस में वो क्यों आ रहा है। तो पहला पॉइंट हमें दे रखा है, चेक्स पेड इनटू द बैंक रुपीज 8,000 बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक्स ऑफ रुपीज 6,500 क्रेडिटेड बाय बैंकर्स। तो क्या हुआ, हमने 8,000 रुपीज के चेक्स को डिपॉजिट करा बैंक में बट ओनली 6,500 रुपीज के चेक्स क्लियर हुए हैं, रिमेनिंग 1,500 रुपीज के चेक्स अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। तो सिनेरियो क्या होगा, हमने कैश बुक में एंट्री कर दी होगी पैसे डिपॉजिट करने की, तो कैश बुक का बैलेंस तो इंक्रीज हो गया होगा बट पासबुक में क्योंकि 1500 रुपीज के चेक अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं तो 1500 रुपीज से पासबुक का बैलेंस अभी कम है। कैश बुक में एंट्री हो चुकी है इसलिए कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, पासबुक का बैलेंस अभी कम है क्योंकि चेक क्लियर नहीं हुए हैं। तो ये जो 1500 का डिफरेंस है इसे हमें कवर करना है। हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक के बैलेंस से इसलिए हम सिर्फ कैश बुक के बैलेंस को ही मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है इस समय और पासबुक का बैलेंस कम है, 1500 रुपीज का डिफरेंस है तो हम कैश बुक का बैलेंस भी कम कर देंगे जिससे वो पासबुक के इक्वल हो जाए। तो कम करना है इसलिए हम इसे नेगेटिव साइड पे नोट करेंगे। सबसे पहले हम रीजन लिखेंगे, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक्स डिपॉजिट करें बट क्लियर नहीं हुए, नेगेटिव साइड पे अभी हमने डिस्कस किया आएगा 1500 रुपीज, डिफरेंस था 1500 रुपीज का। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, सेकेंड हमें दे रखा है द रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट पर रुपीज 200। तो अब हमारे पास जो कैश बुक है उसका बैलेंस कम है 200 रुपीज है, अंडर कास्टिंग का केस है तो कैश बुक का बैलेंस कम होगा और पासबुक का बैलेंस ज्यादा होगा। हम वर्क कर रहे हैं कैश बुक के बैलेंस से तो हम सिर्फ कैश बुक के बैलेंस को ही मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैश बुक अंडर कास्ट है, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, डिफरेंस है 200 रुपीज का, तो 200 रुपीज से हम कैश बुक को इंक्रीज कर देंगे ताकि वो पासबुक के इक्वल हो जाए। तो 200 रुपीज आ जाएंगे पॉजिटिव साइड में। रीजन नोट कर लेते हैं, कैश बुक अंडर कास्टिंग कैश बुक का अंडर कास्ट का एरर हमने करेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड ट्रांजैक्शन है ऑन 29 जून अ कस्टमर डिपॉजिटेड। अच्छा हमने डेट नहीं लिखी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन हम बना रहे 30th June 2017। ये सबसे पहला काम होता है डेट लिखना, हम भूल गए थे, आपको याद रखना है कि डेट सबसे पहले लिखनी होती है। तो थर्ड ट्रांजैक्शन हम पढ़ रहे थे, ऑन 29 जून अ कस्टमर डिपॉजिटेड रुपीज 3,000 डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट बट इट वॉज एंटर्ड इन द पासबुक ओनली। तो एक कस्टमर ने क्या किया, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए बट इसकी एंट्री सिर्फ पासबुक में हुई है, कैश बुक में नहीं हुई है।
तो पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, हमारा बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा होगा, और कैशबुक में एंट्री अभी तक पैसे मिलने की नहीं हुई है तो कैशबुक का बैलेंस कम होगा। पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, कैशबुक का बैलेंस कम है, कैशबुक से वर्क कर रहे हैं हम कैशबुक के बैलेंस से, तो कैशबुक को इंक्रीज कर देंगे ताकि वो पासबुक के इक्वल हो जाए। इस ट्रांजैक्शन की वजह से 3000 का जो डिफरेंस है उसको बैलेंस करेंगे, तो 3000 रुपीज आ जाएंगे हमारे पास पॉजिटिव साइड में। रीजन नोट कर लेते हैं, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक। तो 3000 रुपीज का हमने करेक्शन कर दिया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, फोर्थ ट्रांजैक्शन, चेक्स ऑफ रुपीज 9200 वर इशूड ऑफ विच रुपीज 2200 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 15 जुलाई। तो हमने 9200 रुपीज के चेक्स इशू करे जिसमें से 2200 रुपीज के चेक्स अभी तक भी प्रेजेंट नहीं हुए हैं बैंक में, तो क्या हुआ होगा, हमारा कैशबुक का बैलेंस कम होगा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 2200 रुपीज हमने अपने कैशबुक में से डिडक्ट कर दिए, माइनस कर दिए, पेमेंट दिखा दिए, बट पासबुक में अभी तक उसकी पेमेंट शो नहीं हुई है, तो 2200 रुपीज कैशबुक में कम हो गए बट पासबुक में कम नहीं हुए हैं, तो ये डिफरेंस आ रहा है। हम क्या करेंगे, कैशबुक को इंक्रीज कर देंगे 2200 रुपीज से ताकि वो पासबुक के इक्वल हो जाए। एंट्री कर देंगे चेक्स इशूड बट नॉट क्लियर 2200 रुपीज। ये हो गया हमारे पास एंट्री करेक्शन फोर्थ पॉइंट का। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट पॉइंट है, पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ रुपीज 330 एज इंटरेस्ट एंड अ डेबिट ऑफ रुपीज 60 एज बैंक चार्जेस। तो 330 रुपीज का क्रेडिट है और 60 रुपीज के बैंक चार्जेस हैं। 330 रुपीज और 60 रुपीज दोनों की एंट्रीज कैशबुक में नहीं हुई है, यानी जब इंटरेस्ट मिला तो पासबुक इंक्रीज हो गए, कैशबुक में एंट्री नहीं हुई है, कैशबुक का बैलेंस कम है तो उसको इंक्रीज कर देंगे। इंटरेस्ट 330 रुपीज और बैंक चार्जेस की वजह से पासबुक का बैलेंस कम हो गया होगा क्योंकि एक पेमेंट है, कैशबुक में अभी तक एंट्री नहीं हुई है, यानी कैशबुक में अभी पैसे कम हमने नहीं करे, तो कैशबुक को भी रिड्यूस कर देंगे 60 रुपीज से और दोनों इक्वल हो जाएंगे। बैंक चार्जेस 60 रुपीज के आगे बैंक चार्जेस। अब हमारे पास सारे ट्रांजैक्शंस की हमने सारे रीजंस की सारे पॉइंट्स की एंट्रीज कर दी है, करेक्शन कर दिए हैं। अब आ रही है पासबुक का करेक्ट बैलेंस फाइंड करने की, तो हम पासबुक का करेक्ट बैलेंस फाइंड करेंगे और टोटल करेंगे। हमारे पास बैलेंस बच रहा है प्लस साइड में, प्लस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है माइनस साइड से, यानी हमारे पास प्लस साइड में बैलेंस होगा, और अगर हम प्लस साइड का टोटल में से माइनस साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 16,170 रुपीज। ये है बैलेंस एज पर पासबुक। ये आ गया हमारे पास बैलेंस एज पर पासबुक, सिंपली कुछ नहीं करा, प्लस माइनस करा, प्लस साइड की फिगर्स में से माइनस साइड की फिगर्स को लेस कर दिया और हमारे पास ये बैलेंस आ गया। इसका टोटल कर देते हैं, टोटल आ जाएगा हमारे पास 17,730 रुपीज। ये आ गया हमारे पास टोटल। तो हमारे पास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 7 की बन गई है। कई बार हो सकता है कि आपको बीच में कुछ पॉइंट समझ ना आया हो या कोई बेसिक चीज आपकी छूट रही हो, तो प्लीज एक बार जहां हमने कॉन्सेप्ट्स के सेशंस करे हैं उन्हें जरूर देख लीजिएगा। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट होता है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा, तो
तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या फिर बेटर होगा कि आप वो कॉन्सेप्ट वाले सेशन देखें, क्योंकि उसमें हमने हर पॉइंट को, हर एक ट्रांजैक्शन को डिटेल में डिस्कस करा होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया, एंड स्टिल अगर आपको अभी भी कोई डाउट है यू कैन राइट अस ऑन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।